नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। विदिशा 33/11 के वी उपकेंद्र निर्माण का भूमि पूजन। ग्राम अटारी खेजड़ा में 21 लाख की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 के वी उपकेंद्र निर्माण का भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर पालिका प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, ग्यारसपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रजेश लोधी एवं अहमदपुर मंडल अध्यक्ष रामेश्वर किरार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गुलबगंज मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक सिंह कंग द्वारा किया गया। मनोरा फीडर से निकलने वाली बिजली लाइन लगभग 70 गांव से होकर निकलती है, जिस कारण अटारी खेजड़ा में बार बार बिजली फॉल्ट होने की समस्या कई वर्षों से थी। इसको देखते हुए बिजली विभाग ने 21 लाख की लागत से 4.5 किलोमीटर लंबी 33/11 केवी लाइन स्वीकृत की, जिससे कि अब ग्राम अटारी खेजड़ा में बिजली की समस्या का पूर्णता निराकरण हो गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश टंडन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे विदिशा जिले में सभी ग्रामों में बिजली केबल जो खराब है उन्हें बदलने का टेंडर जारी कर दिया है एवं दिसंबर तक ही काम पूरा हो जाएगा। कमलनाथ के राज में बंद कर दी गई थी खेत ट्रांसफार्मर योजना, मुख्यमंत्री द्वारा फिर से चालू कर दी गई है। हर गांव के ट्रांसफार्मर की क्षमता दुगनी कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी ने भाजपा सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं पर रोशनी डाली। कार्यक्रम में जगदीश दांगी, सचिन यादव, नथु सिंह रघुवंशी, हरि दादजू, अर्जुन रघुवंशी, महेश लोधी, रुद्र प्रताप सिंह दांगी, प्रकाश गुर्जर, संजय लोधी, डोंगर सिंह लोधी, बहादुर सिंह लोधी, मंगल सिंह विश्वकर्मा, रामदयाल अहिरवार, कैलाश पंथी, नेत्राम दांगी, पूरन कुशवाह एवं समस्त ग्रामीण जन उपस्थित थे। गंजबासौदा विधानसभा संवाददाता रवि रघुवंशी की रिपोर्ट।